हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले पबजी मोबाइल के क्रू चैलेंज के बारे में। जी हाँ गाइस, क्रू चैलेंज बहुत दिनों से सर्वर में नहीं था, मतलब सभी तरफ से क्रू चैलेंज को हटा दिया था, लेकिन फाइनली पबजी में क्रू चैलेंज फिर से वापस आ चुका है। लेकिन इस बार वो क्रू चैलेंज के नाम से नहीं आया, ऑल टैलेंट चैंपियनशिप करके नाम से आया है। जी हाँ गाइस, ऑल टैलेंट चैंपियनशिप मतलब मॉडिफाइड क्रू चैलेंज हमारा, तो वो फिर से वापस आ चुका है। क्रू चैलेंज खेलने के बाद आपको पता है कि रिवॉर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं, गन की स्किन फ्री में मिल जाती है, तो वो सब कुछ आपको किस तरह से लेने, मैच में एंट्री किस तरह से करनी है, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो तभी वो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो कि पॉइंट्स है वो मिलते हैं, याद रखना। इसलिए आपको एंट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी एंट्री स्टार्ट है तो आप एंट्री किस तरह से करोगे, एक मैच सिर्फ आपको खेलने और आपको सभी रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, ठीक है? तो सब डिटेल में बात करते हैं। अभी फिलहाल आपको किस तरह से क्रू चैलेंज में एंट्री करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैचेस वाला करके एक नया सेक्शन देखने को मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, इस तरह से आपको विंडो खुल के सामने आ जाएगी। फिलहाल आपको ऑल टैलेंट चैंपियनशिप जो कि एक्टिवेट हो चुका है, जो कि नया क्रू चैलेंज आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर्ड मैच है, वो अभी लॉग है, बोनस चैलेंज। तो भाई इंडिया में जब पबजी अनबैन होगी, मतलब पबजी इंडिया आएगी, तभी यहाँ पे बोनस चैलेंज देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल कोई सीन नहीं है बोनस चैलेंज का, ठीक है? तो उससे पहले चलते हैं अपने ऑल टैलेंट चैंपियनशिप में। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको एक विंडो आ जाएगी, उससे पहले आपको ये वाले रूल्स आएंगे सामने। तो देखिए, जैसे आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ऑल टैलेंट चैंपियनशिप, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रूल्स बताए, वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि तीन टाइप के मैचेस यहाँ पे होने वाले, वीकली मैचेस, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल राउंड। तो तीन स्टेज यहाँ पे होने वाले, हर एक के अलग अलग मैचेस देखने को मिलेंगे, आगे बात करते हैं उसमें। और आपको इरेंगल एक ही मैप इसमें ऐड किया है, और टीपी भी इरेंगल, बस यही सिर्फ आपको मैप खेलने को मिलेगा टीपी में, तो कोई और चॉइस नहीं है। तो इरेंगल है तो भाई बहुत सारे बंदे खेलेंगे। साथ ही रैंकिंग सिस्टम भी इन्होंने बता दिया, टोटल स्कोर किस तरह से काउंट किया जाएगा आपका, रैंक पॉइंट्स। तो देख सकते हैं रैंकिंग 1-20 यहाँ पे दे दिया है आपको। तो जैसे आप रैंकिंग करोगे उस तरह से आपके स्कोर आपके सामने दिख रहा होगा, 15, 12, 10। तो इस तरह से आपके जो कि रैंक पॉइंट्स है वो यहाँ पे करके, साथ ही एलिमिनेशन पॉइंट, मतलब आप जितने किल करते हो तो उसका भी पॉइंट कंबाइन करके टोटल स्कोर यहाँ पे काउंट हो जाएगा। और वो स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको वीकली मैचेस, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि वीकली मैचेस फिलहाल स्टार्ट हुए हैं, जो कि 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलने वाले हैं। तीन दिनों के यहाँ पे मैचेस है, और यहाँ पे चाहे तो क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके आप इनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखिए, यहाँ पे आपका जो कि क्रू में 6 बंदे होना जरूरी है, और यहाँ पे आपके टॉप 6 मतलब बेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तो ये द सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द बेस्ट 6 मैचेस प्लेड दिस वीक इज वीकली स्कोर। तो आपका जो भी वीकली स्कोर है वो 6 मैचेस का यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे टॉप 50 टीम्स विद द हाईएस्ट वीकली स्कोर एडवांस टू द सेमीफाइनल। तो गाइस देखिए, जो भी टॉप 50 टीम्स है वो यहाँ पे डायरेक्टली सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाएंगे। उसका एक चार्ट है, वो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ। उससे पहले देख सकते हैं लोअर टायर, देखिए आपको मिनिमम सिल्वर टायर होनी चाहिए, सिल्वर वी, उसके अभाव है तो भी आप क्रू चैलेंज में एंट्री कर सकते हो। और पार्टिसिपेंट रिवॉर्ड देख सकते हो, अगर आप सिर्फ मैं पार्टिसिपेंट भी कर लेते हो तो आपका 100 पॉइंट्स जो कि मिलते रहेंगे, और उससे आप रिडीम कर सकते हो। वो तो आपको पता है, मैं आपको रिवॉर्ड्स बता दूंगा, थोड़े बहुत चेंजेस है इसमें रिवॉर्ड्स में, ठीक है? सबसे पहले देखिए शेड्यूल वाले सेक्शन में चलते हैं। शेड्यूल में यहाँ पे आपको देखिए वीक 1 वीक 2, तो ये जो कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे तीनों यहाँ पे मैचेस होने वाले। तो वीक 1 और वीक 2 से जो कि वीक 1 में टॉप 50 टीम्स यहाँ पे ले जाएंगे, और वीक 2 से टॉप 50 टीम्स ले जाएंगे, मतलब 100 टीम्स यहाँ पे सेमीफाइनल खेलेंगी वीक 3 में। यहाँ पे देख सकते हैं वीक 3 में आपको सेमीफाइनल होगा, जो कि वीक 1 और वीक 2 के बंदे आएंगे। उसके जैसे ही यहाँ पे देखिए वीक 3 और वीक 4 के जो भी बंदर टॉप 50 टीम्स यहाँ पे, मतलब 100 टीम्स आएंगे, वो वीक 5 में उनका सेमीफाइनल होगा। तो सेमीफाइनल 1 यहाँ पे वीक 3 में होगा, सेमीफाइनल 2 यहाँ पे वीक 5 में होगा, और इनमें से जो आपको टीम्स आएंगी आगे वो यहाँ पे डायरेक्टली वीक 6 में फाइनल राउंड खेलेंगी। तो ये पूरा इन्होंने चार्ट बताया है। देखिए टॉप 2 टीम्स फ्रॉम द एवरी राउंड विल बी एडवांस। तो फाइनल के लिए टॉप 2 टीम्स फ्रॉम एवरी राउंड वो यहाँ पे चुने जाएंगे फाइनल्स राउंड्स के लिए। तो पूरा ये चार्ट है, आप यहाँ पे सही से आके देख सकते हो, डेट वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। उससे पहले देखिए, आपको यहाँ पे जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो आपको सर्वर के बारे में भी पूछा जाता है। तो जो आपका पिंग
सही से आता है वही सर्वर सिलेक्ट करना, एशिया से हो तो एशिया, जो आप सर्वर रेगुलर खेलते हो उसी को सिलेक्ट करना, उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्रू चैलेंज खेले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी रैंकिंग है वो किस तरह से होगी देख सकते हैं, वीकली यहाँ पे आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी ए वाली सेक्शन में, वीकली मैचेस, सेमीफाइनल मैचेस और फाउंड मैचेस। तो देखिए वीकली मैचेस में टॉप 50 यहाँ पे आप स्कोर देखना आपका, अगर आप टॉप 50 में आ जाते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे सेमीफाइनल वाले मैचेस में। तो उस तरह से जैसे मैंने आपको मैप दिखाया वो सिलेक्ट करते आप जाओगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे आपका स्कोर है वो देखते रहना है। और इसके लिए मिनिमम आपको क्रू में, मतलब क्रू वाली सेक्शन में जाओगे तो 6 बंदे आप ऐड कर सकते हो मैक्सिमम 6, और मिनिमम 4 बंदे तो होनी चाहिए ताकि आप क्रू में पार्टिसिपेट कर पाओ। अब यहाँ से चाहिए तो आप रिक्रूट कर सकते हो क्रू, देख सकते हो क्रू मेंबर यहाँ से आप इन्वाइट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं क्रू बना रहा हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना किस तरह से। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक्सपांड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिनों के बाद एक मैच होने वाले हैं जो कि फर्स्ट मैच है, और देख सकते हैं 5 दिनों के बाद 6 दिनों मतलब 3 मैचेस होने वाले, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका क्रू रेडी होए तो ही रजिस्टर पर क्लिक करना, ठीक है। तो लीडर ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बाकी मेंबर्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो लीडर आपका होना जरूरी है। तो रजिस्टर जैसे करोगे आपके 4 दिन बाद 5:30 से लेके, देखिए आपका इंडियन टाइम से बता रहा हूँ, 5:30 से लेके आपका 11 बजे तक, 11:30 तक यहाँ पे आपको 11:30 तक आपके मैचेस यहाँ पे चलने वाले हैं। तो आपके हिसाब से जो भी शेड्यूल आपका लगा हुआ है उस हिसाब से आपको मैचेस खेलने हैं। और जो बंदे सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए आए, मतलब यहाँ पे आपको जो कि पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट किस तरह से मिलते हैं वो भी यहाँ पे बता देगा। देखो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, क्लिक करने पर यहाँ पे देख सकते हैं जो कि टॉप 1 to 50, जो अगर आप टॉप 1 to 50 में आ जाते हो जो कि आपका स्कोर बोर्ड है, तो आपको 200 पॉइंट्स मिल जाते हैं। साथ ही जो कि टाइटल है जी गाइस, आपको टाइटल भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेंट हो जाते हो, मतलब आप मैचेस खेलते हो लेकिन आप टॉप 1 to 50 टीम्स में नहीं आते, तो आपको 100 यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए और जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो आपको 6 मैचेस खेलने के बाद आपके यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 4th पॉइंट में देख पढ़ सकते हो, टीम दैट डोंट रैंक हाई इनफ टू गेट द रिवॉर्ड्स विल बी गेट अ पार्टिसिपेंट रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मैचेस ड्यूरिंग द वीक। तो यहाँ पे आपको 6 मैचेस खेलने के बाद जो भी आपके पार्टिसिपेंट रिवॉर्ड है वो आपको स्कोर के हिसाब से दिया जाएगा, तो 100 आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप टॉप 1 to 50 में कर लेते हो तो 200 आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी मिलेंगे, साथ ही आपका जो भी टाइटल है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो रजिस्टर पर क्लिक करने बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे, आपके शेड्यूल डेट के हिसाब से आप यहाँ पे मैचेस खेलने स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको 200 पॉइंट्स यहाँ पे कमाने हैं, जो कि पॉइंट्स आपको पता है, देखिए पॉइंट्स आपको अगर आप कमा लेते हो तो आपके वो पॉइंट्स यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो रिवॉर्ड्स में। जहाँ अगर आप 1 to 50 के बीच में टॉप कर लेते हो, टॉप 1 to 50 में आ जाते हो, तो आपको 200 पॉइंट मिलते हैं पार्टिसिपेंट के 100, तो ये वाले पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप इस वाले सेक्शन में रिडम स्टोर में आके यहाँ चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको M4 की स्किन मिल रही है जो कि 6500 पॉइंट पर आपको मिल रही है। साथ ही आउटफिट देख सकते हैं गाइस, इसका लुक क्या खतरनाक सा लुक है, तो ये आपको देखिए 5000 पॉइंट में मिल जाता है। क्यूबी की स्किन आपको मिल रही है, साथ ही ये क्रेड है, क्रेड में आपको रैंडमली कुछ रिवॉर्ड्स है वो भी मिल जाते हैं। देखिए 80 पे आपको मिल रहा है, साथ ही इसके टाइम लिमिटेड कुछ आउटफिट भी मिल रहे हैं, ये आपको 1500 में आउटफिट मिल जाता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे 1500 यहाँ पे देख सकते हैं आउटफिट आपको दिए जा रहे हैं, टाइम लिमिटेड रिवॉर्ड है। साथ ही मेन बात गाइस यहाँ पे जो कि है वो है रीनेम कार्ड। जी हाँ गाइस, रीनेम कार्ड इन्होंने रिमूव कर दिया है, और ये बहुत ही बुरी काम किया है पबजी वालों ने यार, कुछ तो करना पड़ेगा पबजी वालों को, रीनेम कार्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ज़्यादातर बंदे रीनेम कार्ड के लिए ही क्रू चैलेंज खेलते हैं, लेकिन उसी को यहाँ पे हटा दिया। लेकिन देख सकते हैं आप क्या ही कर पाएंगे हम लोग। तो M4 की स्किन के लिए आप यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो, 200 मिल जाते हैं यार, तो काफ़ी सही हो जाएगा सिर्फ आपको मैचेस खेलने। और ये वाला आउटफिट काफ़ी तगड़ा लग रहा है मेरे को। तो गाइस देखिए पूरे रिवॉर्ड्स यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए, और सिंपली आपको पार्टिसिपेंट करना है तो 100 तो यार मिल ही जाते हैं आसानी से। तो गाइस देखिए आपको अगर ग्राइंड करना है तो आप खेल सकते हो, 1 to 50 में आ सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे मैचेस खेलते जाना है, रजिस्टर करते जाना है, आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी, और क्रू चैलेंज में पार्टिसिपेट जरूर करना, क्योंकि पार्टिसिपेंट करोगे नहीं तो पॉइंट्स मिलेंगे नहीं और रिवॉर्ड्स आप इकट्ठा कर नहीं पाओगे। तो बस यही बताना था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो इस वीडियो को, और चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलना। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।